हेलो बॉयस, फिर से आपके स्वागत है। आज हम आए हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, तो वो है पिक्सेल लैब का। पिक्सेल लैब में देखें, जो भी फोटो आपको एडिटिंग के बारे में, प्रोफेशनल जो एडिटिंग होता है पिक्सेल लैब में, तो यहाँ से वो एडिटिंग करते हैं। देखिए, पिक्सेल लैब एक ऐसा ऐप है जो कि आप प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे, जो फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो देखिए आप बैकग्राउंड चाहते हैं, इस तरह से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए किस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो हम चेंज करें, जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए, हमको ये वाला अच्छा लगा तो ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है क्या इसमें, एडिट का स्टाइल का। आप इसमें जाएंगे तो देखिए इसमें ब्रोचर है, शेप है, मतलब जब भी आपको फोटो सेव करना हो तो एडिटिंग करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो एडिटिंग में जाने के बाद में क्या होता है, आपको कोई भी टैक्स डालना हो तो आप यहाँ से कोई भी टैक्स डाल सकते हो। जिससे कि हम एक टैक्स डालेंगे, देखिए ट्रीटिंग फंड, देखिए इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पे आ चुका है। आप चाहे तो इस तरह इसका आपको रोटेट भी कर सकते हो यहाँ पे, और इसका कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। देखिए, मतलब आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। देखिए हमारा जो हैंड राइटिंग है वो किस तरह स्टाइल से यहाँ पे आ गया है, देखिए कैसा अपना मूव हो रहा है। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कि इसमें कि हम उसको कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको। अगर आप फ्रंट को बैक करना है तो आप फ्रंट में भी ला सकते हैं, उसको बैक में भी ले जा सकते हैं। उसमें सब ऑप्शन दिया हुआ है, बाद में हुई टू बैक। आपको कोई भी अगर फ्रंट को पीछे भेजना है तो आप उसको पीछे भी भेज सकते हो। इसमें से जाने के बाद में आपको क्या था, इसमें आपको सेंटर पोजिशन में करने का, देखिए जिस तरह की आप पोजिशन में रखना चाहे तो इस तरह से आप पोजिशन में भी इसको रख सकते हो, ऊपर और नीचे ऐसा ऐसा कर सकते हो। फिर मैं बाद में आता है आपके कि रिलेटिव पोजिशन का, देखिए ये जो पोजिशन है आप किस तरह से इसको देखिए मूव करना चाहे तो आप इस तरह से मूव कर सकते हो। बाद में टी साइज का, देखिए आप इस तरह से चाहे तो आप उसको टेक्स्ट को छोटा बड़ा वो कर सकते हो। नेक्स्ट था आपका पेडिंग का, पेडिंग में जाने के बाद देखिए इस तरह से आप यूज करके उसको भी साइड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास कलर का, कलर का जो हमारे पास ऑप्शन होता है जो कलर का, देखिए हम कलर यहाँ से हम कलर भी चूज कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी इतना कुछ कलर दिया हुआ है, और अगर हम कलर को करना चाहते तो प्लस आइकन में दबा करके देखिए यहाँ में हमको कलर का जो है ऑप्शन मिलता है। इसको डीप और लाइट भी यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए जो हमारा जो टैक्स है वो हमारे कलर में आ चुका है, तो हम इसको कलर में भी ला सकते हैं। बाद में अगर टैक्स कर कर टैक्स कर आप देखेंगे तो आप कोई सा भी फोटो चाहे तो आप इस तरह से आप फोटो भी ऐड कर सकते हो। चलिए हमको एक फोटो ऐड करना हो तो देखिए फोटो किस तरह से यहाँ पे ऐड होता है। देखिए टैक्स का जो पीछे है हमारा जो फोटो है वो जाके ऐड हो चुका है। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास में ओपेसिटी को, ओपेसिटी में जाने के बाद में देखिए इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर हमारे रोटेट का, रोटेट का जो ऑप्शन है हम इसको चाहे तो इस तरह से हम रोटेट भी इसको कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये रोटेट हो रहा है, चाहे तो हम इसको भी रोटेट करके अपना डिजाइन से बना सकते हैं। फिर बात में आता है कि मार्क्स का, देखिए जो इस यहाँ पे कोई भी आपको टैग्स वगैरह डिजाइन आपको हटाना है तो इस तरह से आपको मार्क्स डालना है तो इससे आप उसको लगा सकते हैं। बाद में आता है कि आपको फ्रंट में जाने के बाद में आपको हैंड राइटिंग को किसी भी मतलब हैंड राइटिंग में बदल सकते हो। देखिए हम इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो टैग्स है वो किस तरह से चेंज हो गया है। बाद में आता है डी स्टाइल के बाद, देखिए डी स्टाइल में जाने के बाद में देखिए किस तरह का वो जो चेंज हो रहा है, हमारा जो टैक्स है वो चेंज होने लगे हैं। तो नेक्स्ट हमारा पास ऑप्शन आता है क्रॉप का, क्रॉप का जाने के बाद में देखिए हमारा जो टैक्स है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, चाहे तो वैसे इसको डिजाइन में ला सकते हो।
नेक्स्ट हमारे बाद में बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड का देखिए, बैकग्राउंड का क्या है कि हम बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड में चूज कर सकते हो। देखिए कलर आपको अगर यहाँ पे चूज करना है तो अब यहाँ से भी देखिए जो भी आपके इस तरह से शेडो लगाना हो, कलर चेंज करना हो, तो अब यहाँ से उसको कर सकते हो। बाद में ऑप्शन होता है हमारे पास की ए लाइन के। ए लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें हम इसको लाइन में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखिए किस तरह से लाइन से मतलब ये हो रहा है, इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। बाद में आता हमारे पास स्पेसिंग के। स्पेसिंग के देखिए जो हमारा वर्ड है, हमारा जो मतलब लेटर है, वो किस तरह से हम देखें, अगर आपको वर्ड में जाना है तो देखिए वर्ड को भी आप इस तरह से लगा सकते हो। लेटर में जाने के बाद देखिए किस तरह से उसको गैप स्पेसिंग हो रहा है। फिर बाद में हमारे पास में ऑप्शन होता है कि लाइन स्पेसिंग के। लाइन स्पेसिंग पे क्या होता है कि इस तरह से आप अगर मतलब लेटर के बीच में कोई गैप रखना चाहे तो इस तरह से आप गैप भी लगा सकते हो। बाद में हमारे पास मतलब स्ट्रोक का, स्ट्रोक का जो देखिए स्ट्रोक का जो क्या होता है कि इसमें हमारे पास किस तरह से एक शेडो की तरह बन चुका है। हम इसको कलर चाहे तो हम यहाँ से कलर भी हम चूज कर सकते हैं। देखिए जो भी कलर रखना चाहे वो उसको रख सकते हो, उसको डीप करना चाहे तो डीप भी कर सकते हो, लाइट करना चाहे लाइट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में शेडो का। देखिए शेडो का देखिए हम किस तरह का शेडो उसको लगाना चाहिए। देखिए किस तरह से हमारा जो मतलब टेक्स्ट है उसमें शेडो किस तरह से चेंज हो रहा है, हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए तो इसी तरह से आप देखिए इसको मतलब शेडो को आप इधर उससे उधर भी कर सकते हो, मतलब शेडो को कम करना है, ज्यादा करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन है दिया हुआ है। नेक्स्ट होता है इनर शेडो के। इनर शेडो में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उसका अंदर में जो आपको शेडो लगाना चाहिए तो उसको भी लगा सकते हो। देखिए किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है उसका अंदर में शेडो देखिए किस तरह से यूज हो रहा है। इसको कलर चाहिए तो उसको कलर को भी चेंज आप कर सकते हो। देखिए किस तरह से हम इसको शेडो लगा सकते हैं, इस तरह आप डिजाइन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एम्ब्रेस का। एम्बोस का मतलब देखिए एम्बोस में क्या होता है कि आप उसको किस तरह का लाइट लगाना चाहते हो। देखिए यहाँ पे आप जब इसको घुमाएंगे तो किस तरह से ये हमारा जो मतलब टैग्स है वो चेंज हो रहा है। अब इसको भी ऐसा करके काम और ज्यादा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट में देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इस तरह आप जब इसको इधर से उधर करेंगे तो देखिए किस तरह से हमारा जो वर्ड है वो चेंज हो रहा है। फिर मैं बात मौसम तक की पेसेप्टिक का देखिए, इसमें जो है इसमें क्या ऑप्शन मिलता है आपको। देखिए आपको अगर इस तरह से किसी भी टेक्स को डिजाइन में चेंज करना है, देखिए हमारा जो टेक्स है वो किस तरह से वो चेंज हो चुका है। फिर मैं बताया आपको 3D रोटेट का। देखिए 3D रोटेट में क्या होता है कि देखिए आप इस तरह से चाहे तो वर्ड को आप रोटेट कर सकते हो। देखिए किस तरह से जो वर्ड हमारा रोटेट हो रहा है, इस तरह से आपको घुमा भी सकते हो, फिरा भी सकते हो। देखिए बाद में आता है हमारे पास 3D रोटेट का। 3D रोटेट का जो ऑप्शन आता है, देखिए 3D रोटेट में ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे भी आप घुमा सकते हो। देखिए शेडो को किस तरह से हम कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ से। देखिए इसको घुमाने का भी ऑप्शन, शेडो को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट आता हमारे पास रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में जाने के बाद में देखिए रिफ्लेक्शन जाने के बाद में किस तरह से आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। नीचे और भी एक आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इतना तो यूज हमने देख लिया, फिर बाद में देखेंगे। और दूसरा यूज है कि स्टिकर चाहे तो आप यहाँ से भी स्टिकर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हो। देखिए हमारे जो पास स्टिकर है उसमें बहुत सारी स्टिकर है, जो भी आप लगाना चाहे। देखिए स्टिकर लगाने के बाद में इसको आप घुमा भी सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। देखिए स्टिकर हमारा जो है इसमें आ गया है। इसके बाद में ऑप्शन आता है कि उस सेम ऑप्शन है, स्टिकर को आप चेंज भी कर सकते हो। फिर बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है कि कलर का, तो हम बता चुके हैं कि इमेज साइज का, क्रॉप का, इमेज का, फ्रंट गैलरी। आप कोई भी अगर फोटो अगर इंपोर्ट करना है तो देखिए जो आप गैलरी में जाके कोई भी आप फोटो इसमें सिलेक्ट करना चाहे तो आप देखिए मतलब डिजाइन भी इसको आप चेंज कर सकते हैं, राउंड स्केच। तो इस तरह से आप इसको भी लगाना चाहे तो इसको भी आप लगा सकते हो। देखिए किस तरह से हमारे बैकग्राउंड में जाके वो सेव हो गया है। कैमरा का ऑप्शन में जाके आप कैमरा से डायरेक्टली फोटो को मतलब क्लिक करके भी आप इसमें लगा सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनको डिग्निटी का। देखिए डिग्निटी में क्या था, रोटेट का जो ऑप्शन है, देखिए आप किस तरह से रोटेट कर सकते हैं डिग्निटी में जो है। अब इसको ऑन कर देंगे तो किस तरह से एक शैडो बन रहा है। शैडो को आपको चेंज करना चाहिए कलर, वो भी आप चेंज कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास में नॉइस का, देखिए नॉइस में जाने के बाद में आपको क्या होता है कि इस तरह से देखिए फोटो हमारा किस तरह से डिजाइन में चेंज हो रहा है। इस तरह से चाहे तो आप डिजाइन को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारे पास में ट्रिप का, ट्रिप में जाने के बाद में देखिए हमारा जो इसमें है एक किस तरह का एक डिजाइन बन चुका है, जिस तरह की देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरह से चाहे तो आप इसको भी लगा सकते हो। नेक्स्ट था हमारे पास कि ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस का जो है आप इसको ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से वो लगा सकते लगाना चाहते हो। कॉन्टेस्ट में जाने के बाद सेम आप कॉन्टेस्ट को कम मतलब ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, चाहे कि हमारे फोटो में कुछ इफेक्ट आ जाए इस तरह के। बाद में इवेल ऑप्शन में देखिए, इवेल ऑप्शन में जाने के बाद में देखिए इसमें भी आपको जो कि कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, जिस तरह के आपको कलर चाहिए तो इस तरह से इसको भी लगा सकते हो। सैचुरेशन में जाने के बाद भी सेम आप सैचुरेशन को कूल रखना चाहिए तो आप इसको कम ज़्यादा करना चाहे तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो। तो इतना सारे हमने ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन देखने के बाद में आपका जो इमेज है वो इस तरह से आप रेडी कर सकते हो जिस तरह आपका चाहे। फिर ये रेडी करने के बाद में यहाँ पे थ्री डॉट में जाने के बाद में थ्री डॉट में देखिए कितना ऑप्शन मिलता है कि यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से आप जाके कोई भी इमेज सिलेक्ट भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन करना चाहे फुल स्क्रीन करना चाहे रख सकते हो, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा तो कैमरा सब यूज कर सकते हो, एक्सपर्ट इमेज को करना तो वो भी कर सकते हो। इमेज साइज में जाने के बाद में आपका इमेज साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए इसमें बहुत सारा कुछ ऑप्शन दिया गया है, कस्टम का, स्क्वायर का, पिक्चर प्रोफाइल स्क्वायर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर मीडियर साइज, देखिए बहुत सारा जो भी आपको साइज रखना चाहिए तो आप इसे रखने को ओके कर सकते हो। इसके बाद में और भी ऑप्शन देखिए, आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हो, देखिए डायरेक्टली आप यहाँ शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर सकते हो, आपको अगर सेव करना है तो सेव टू गैलरी में जाने के बाद में आपको ये ऑटोमेटिकली आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए इतना कुछ ऑप्शन हमने यहाँ पे मतलब देख लिया। इसके बाद में देखिए और भी वो कुछ ऑप्शन है, जैसे कि इसमें सेव का ऑप्शन में जाने के बाद में सेव भी कर सकते हो। बाद में देखिए प्लस का आइकॉन बहुत सेम है, वो टैक्स लगाना, वो करंट डेट, स्टिकर, शर्ट फ्रॉम गैलरी ड्रॉ भी आप लगा सकते हो। जब आपका फोटो रेडी हो जाए इस तरह से, रेडी होने के बाद में आप इसमें क्लिक करने के बाद में देखिए सेव एस प्रोजेक्ट, सेव एस इमेज में जाके आप इसमें क्लिक कर देंगे तो और जो आपको है एक गैलरी में जाके आपको सेव मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज के लिए